नमस्कार, विभूति समाचार में आपका स्वागत है। नोटबंदी के बाद अब जनधन पर शिकंजा। रिजर्व बैंक ने नोटबंदी के मद्देनजर प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खुले खातों में 9 नवंबर के बाद जमा हुए पुराने नोटों के लिए निकासी की सीमा तय कर दी है। अब एक माह में केवाईसी वाले जनधन खातों से 10,000 रुपए और बगैर केवाईसी वाले खातों से 5,000 रुपए निकाले जा सकेंगे। रिजर्व बैंक ने बैंकों को जारी आदेश में आज कहा कि नोटबंदी के मद्देनजर 9 नवंबर के बाद बैंक में जमा पुराने नोटों की धनराशि में से जिन जनधन खातों के केवाईसी हैं उनसे हर माह 10,000 रुपए निकाले जा सकेंगे, लेकिन बैंक के शाखा प्रबंधक वास्तविकता की जांच को सही पाने पर 10,000 रुपए से अधिक की निकासी की अनुमति दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि 10 से 27 नवंबर तक जनधन खातों में 27,000 करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा कराए गए हैं और किसानों के भी खातों में भारी संख्या में पुराने नोट जमा कराए जा रहे हैं। दूसरी ओर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के पास काले धन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तर्क नहीं है, इसलिए वे संसद में इस पर बहस से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों को काले धन और नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में गतिरोध जारी रखने के बजाय संसद में चर्चा करके अपने तर्क रखने चाहिए और सरकार का उत्तर सुनना चाहिए। जबकि राहुल गांधी ने कहा है कि नोटबंदी के बाद 50% रुपए फिर से काले धन वालों के पास जा रहे हैं। इधर कई बैंक पर्याप्त रकम नहीं होने के कारण अपने ग्राहकों को खाली हाथ लौटा रहे हैं। इंदौर में ही एक निजी बैंक के मैनेजर ने यह कहते हुए ग्राहकों के हाथ जोड़ लिए कि जो लोग अभी कतार में हैं उन्हें ही पैसा मिल जाए तो बड़ी बात है। इसके साथ ही एक बार फिर बैंकों में कतारें लगना शुरू हो गई हैं, क्योंकि 1 तारीख के आसपास कर्मचारियों का वेतन जमा होना शुरू हो जाता है और लोग बैंकों और एटीएम की ओर रुख कर लेते हैं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ और प्रमुख हेडलाइंस पर। पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के समीप सुकना में सेना का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त, 3 अधिकारियों की मौत। फिल्म शुरू होने से पहले राष्ट्रगान बजाना अनिवार्य, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश। सांसद मनोज तिवारी दिल्ली और नित्यानंद राय होंगे बिहार भाजपा के अध्यक्ष। कोहली बोले, बल्लेबाज के तौर पर भी खेल सकते हैं पार्थिव पटेल। होशंगाबाद जिले के इटारसी में बैंक अधिकारी का भाई बिहार से रुपए बदलवाने आया था, 21 लाख समेत गिरफ्तार। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.webdunia.com। नमस्कार।